नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके सामने डिटेक्शन की रॉ फुटेज को क्लियर करेंगे, इसको डिकोड करेंगे, आपको समझाएंगे कि आखिर डिटेक्शन रॉ फुटेज क्या होता है। देखिए, हमारे नव्या में जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड होते हैं, उन स्टूडेंट का हम पहले इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू के दौरान ये चेक किया जाता है कि बच्चे को अंग्रेजी या हिंदी में लिखना आता है कि नहीं आता है। मान लीजिए हमने कोई वर्ड हिंदी में दिया तो उसे इंग्लिश में लिखना आता है कि नहीं आता है, या फिर ये हो सकता है कि हम उसको इंग्लिश में लिखने को दें तो उसे हिंदी में उसको लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इंग्लिश को हिंदी में या हिंदी को इंग्लिश में लिखने में अगर किसी भी प्रकार की कोई ग्रामेटिक प्रॉब्लम आ रही है या अल्फाबेटिक प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन बच्चों के लिए हम एक स्पेशल कोर्स को कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है डिटेक्शन रॉ फुटेज। ठीक है, इस कोर्स के द्वारा हम 6 महीने या 1 साल के भीतर उस बच्चे के साथ हार्डवर्क करते हैं और हम डेली एक रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं जिसके द्वारा बच्चे का एक रिप्रेजेंटेशन रिकॉर्ड तैयार होता है। और बच्चे के साथ में, न केवल बच्चे के साथ में बल्कि पेरेंट्स के साथ में, हमारे साथ में एक अलग सा फीडबैक डेटा तैयार होता है जिसे हम ऑनलाइन भी अपलोड करते हैं। तो देखिए, अब हम आपके सामने इसको पूरा डिटेल से डिकोड करेंगे कि आखिर डिटेक्शन क्या होता है, इसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे कंडक्ट करते हैं, इसको कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन मेंटेन किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने या स्क्रीन पे लिखा है डिटेक्शन रॉ फुटेज 2024। इसका मतलब ये इसकी हेडिंग हो गई कि ये आपके सामने जो फॉर्मेट दे रखा है ये आपके डिटेक्शन का दे रखा है। अब आगे यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है नंबर 1 से लेके ये नंबर दिए हुए 25 तक। इसका मतलब ये हो गया कि हम डेली 25 वर्ड का डिटेक्शन लेते हैं। अब वो 25 वर्ड भी हो सकते हैं, लेटर भी हो सकते हैं और डिजिट भी हो सकते हैं। तो डिजिट के लिए हम यहाँ पे एक लेटर यूज़ कर रहे हैं डी, लेटर के लिए एल और वर्ड्स के लिए डब्ल्यू, तो इसे हम शॉर्ट में कहेंगे डी एल डब्ल्यू। तो 25 अक्षर हो सकते हैं, 25 शब्द हो सकते हैं। ठीक है, अब इन शब्दों का और इन अक्षरों का डिटेक्शन होना है। अब ये हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा अगर बच्चा कमज़ोर है तो। अगर बच्चा हिंदी में कमज़ोर है तो उसका डिटेक्शन हिंदी में होगा, अगर इंग्लिश में कमज़ोर है तो इंग्लिश में होगा, अगर वो दोनों में कमज़ोर है तो फिर दोनों में होगा। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे डेली एक बार में 25 वर्ड का या 25 अक्षर का डिटेक्शन लेते हैं जिसके यहाँ पे सीरियल नंबर दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे जो डी एल डब्ल्यू दिया हुआ है यानी कि डिजिट, लेटर और वर्ड्स, यहाँ पे हमें उस आंसर को फिल करना होता है। आपको डेली ऑनलाइन हमारे जो ऑफिशियल पोर्टल है, जो हमारे व्हाट्सएप पे चैनल है, वहाँ पे हम आपको अपडेट देते हैं। रोज़ आपके घर पे एक असाइनमेंट आता है डिटेक्शन का नाम से, जिसको हम डी के नाम से जानते हैं। उस डी के नाम से जो डिटेक्शन आता है उसके आंसर को यहाँ फील करना होता है इसके सामने। मान लीजिए आपको हिंदी में दिया हुआ है तो उसे इंग्लिश में फील करना है, और इंग्लिश में दिया हुआ है तो उसको हिंदी में फील करना है। अभी आपके सामने जो फॉर्मेट है इसको आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये इंग्लिश में दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश लिखा हुआ है तो हमने इसके आंसर हिंदी में फील किए हैं। इज दैट क्लियर? और आगे इस पेज को देखिएगा, एक ऐसा ही फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है तो इसके आंसर यहाँ पे इंग्लिश में फील करे हुए। इसका मतलब ये हिंदी में दिया हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है और ये हिंदी की आंसर सीट है, यानी कि हिंदी में दिया हुआ था तो इसके आंसर आपने इंग्लिश में लिखे। और इस पेज पे देखिएगा, इसका जो क्वेश्चन था वो इंग्लिश में लिखा हुआ था तो इसके आंसर को यहाँ पे हिंदी पे लिखा गया है, तो हमें इसके अगेंस्ट आंसर को फील करना है। अच्छा, इसके बाद जैसे आप यहाँ पे अपने आंसर फील कर देते हो, उसके बाद आगे ऑप्शन आता है राइट या रोंग का। अब आपके सामने यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे, स्कोर देंगे कि आपने इंग्लिश की हिंदी सही लिखी कि नहीं लिखी। अगर ये गलत है तो यहाँ पे गलत का चिन्ह लग जाएगा, सही है तो सही का लग जाएगा। एक एक को चेक करेंगे, ठीक है, कि आप इंग्लिश की हिंदी सही तरह से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। अगर सही लिख रहे हैं तो आगे आपके राइट का टिक लग जाएगा, और अगर मान लीजिए रोंग है तो रोंग का टिक लग जाएगा। इस तरह से ही आपकी स्कोरिंग हो जाएगी। उसके बाद आपका फाइनल डेटा बनेगा जिसको हम जानते हैं स्टेटस के नाम से। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है डिटेक्शन टाइप का, इसका मतलब होता है कि जो आप डिटेक्शन दे रहे हो वो एफ दे रहे हो कि आर दे रहे हो। एफ का मतलब हो गया फ्रेश,
अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, जैसे मान लीजिए आज की डेट है 7 सितंबर, ओके, तो 7 की डेट को आप पहली बार दे रहे हो तो आपको ऐप पे टिक लगाना है फ्रेश दे रहे हो। मान लीजिए आपने डिक्टेशन दे दिया, एक बार दे दिया, फ्रेश दे दिया, और आपके बहुत गलतियां गई है, और आपको सर ने कहा कि नहीं आपको दोबारा देना है, आपकी बहुत गलतियां आई है, आपके बहुत मतलब बहुत बेकार मार्क्स आए हैं, तो फिर आपको यहाँ पे आर पे टिक लगाना है। आर का मतलब रिविजन, रिविजन का मतलब आपको इसी को दोबारा देना है, दोबारा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसी सेम मतलब डिक्टेशन को दोबारा दे रहे हो तो फिर आपको आर पे टिक लगाना है, और पहली बार दे रहे हो, फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आपको ऐप पे टिक लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है मीडियम, हालांकि मैं इसको पहले समझा चुका हूँ, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। मीडियम का मतलब हो गया कि हम दो प्रकार से डिक्टेशन के क्वेश्चन बनाते हैं जो कि हम हमेशा ऑफिशियल चैनल पर डालते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ई पे टिक लगा दिया, इसका मतलब हो गया कि आपको इंग्लिश में दिया हुआ था, आपने इंग्लिश के वर्ड थे या जो लेटर थे उसको आपने हिंदी में लिखा है, ये आंसर आपने हिंदी में लिखे, इंग्लिश में दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए आप एच पे आप टिक लगाते हो, इसका मतलब ये हो गया कि हिंदी में आपको क्वेश्चन दिए हुए थे तो आपने उसको इंग्लिश में टिक लगाया, जो कि अगले पेज पे आपके सामने मेंशन है। हमने यहाँ पे एच पे टिक लगाया, इसका मतलब हिंदी में क्वेश्चन दिए हुए थे तो आपने उसको इंग्लिश में सोल्व किया, और यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ था तो आपने उसको हिंदी में सोल्व कर दिया। याद रखिए, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ये तो ये आपके वर्ड जो होंगे ना, ये तो वो लेटर होंगे या फिर वो डिजिट होंगे, यानी ये तो हो सकता है अक्सर मान लीजिए कोई बच्चा किसी व्यंजन का या स्वर का दे रहा है, यानी कक्के का दे रहा है या बारखड़ी का दे रहा है या क ख का दे रहा है, तो यहाँ पे एक ही अक्षर चलेंगे, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे डी पे क्लिक कर देंगे, यानी वो हो गया डी या लेटर हो गया। इज दैट क्लियर? मान लीजिए अगर वो वर्ड का दे रहा है, शब्दों का दे रहा है, तो उसको यहाँ पे वर्ड पे यहाँ पे टिक लगाना है। इज दैट क्लियर? तो दोबारा मैं समझा दूँ, इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको हिंदी में करना है, और अगर हिंदी पे टिक लगाया हुआ है इसका मतलब क्वेश्चन आपको हिंदी में दिया हुआ है और आप आंसर यहाँ पे इंग्लिश में फील कर रहे हो। चलिए इसके आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है टोटल DLW, इसका मतलब ये हो गया कि कुल कितने डिजिट, कुल कितने लेटर या कुल कितने वर्ड्स का आपका यहाँ पे डिक्टेशन हुआ है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, हमारा फाइनल मैक्सिमम और डिफॉल्ट जो सिस्टम है वो 25 का है, यानी कि अगर हम मान लीजिए हम अक्सर ले रहे हैं तो भी 25 के होंगे, हम वर्ड ले रहे हैं तो भी 25 होंगे। हमेशा ध्यान रखिए 25 शब्दों का या 25 अक्षर का हमेशा डिक्टेशन होगा, तो उसका जो रिजल्ट बनेगा, स्कोर बनेगा, वो भी 25 के अनुसार ही बनेगा। इसके आगे लिखा हुआ है मार्क्स फॉर DLW, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आपकी एक लाइन है, जैसे मान लीजिए एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, यानी कि प्रत्येक अक्षर या प्रत्येक शब्द कितने मार्क्स का होगा, तो उसकी मार्किंग दी हुई है एक नंबर। अब देख लीजिए, अगर मान लिया आपके जैसे सपोज करिए कि आपके 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं या 25 आपके वर्ड दिए हुए हैं, तो वो आपका 25 मार्क्स का हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर का, तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हो गए। इसके बाद आगे दिया हुआ है टोटल रॉन्ग, यानी कि आपने जो ये टेस्ट दिया, ठीक है, इसमें आपने जो 25 अक्षरों का या 25 शब्दों का टेस्ट दिया, इसमें कुल कितने रॉन्ग आए आपके, मान लीजिए इसका एक या दो रॉन्ग आया तो इसने यहाँ पे दो लिख दिया, टोटल 2 रॉन्ग, तो आंसर में यहाँ फील कर दिया 2 रॉन्ग। अगर 25 में से दो गलत चले गए तो टोटल राइट कितने हुए, टोटल राइट हुए 23, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 23, यानी 25 में से 2 को माइनस कर दिया, जो कि 2 रॉन्ग थे, तो आपके राइट चले गए 23। इसके आगे लिखा हुआ टोटल ड्रॉप, क्या जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन को मेंटेन कर रहे थे और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे दो अक्षरों की इंग्लिश नहीं आ रही है, हिंदी नहीं आ रही, जैसे मान लो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में लिखना है, अब दो वर्ड को आपको इंग्लिश की हिंदी लिखना नहीं आ रहा और आपने इसको खाली छोड़ दिया, तो दो खाली छोड़ दिए तो यहाँ पे 2 फील कर दो, 5 खाली छोड़ दिए आपने, 5 क्वेश्चन छोड़ दिए तो 5 ही लगा दो यहाँ पे, 6 खाली छोड़ दिए तो 6 लिख दो। मान लीजिए आपने कुछ भी खाली नहीं छोड़ा, एक भी क्वेश्चन को आपने ड्रॉप नहीं किया, एक भी क्वेश्चन आपने ड्रॉप नहीं किया, आपको सारे आते हैं, तो फिर यहाँ पे डेस लगा दो, इसको खाली छोड़ दो। इज दैट क्लियर? इसके बाद में ऑप्शन आता है टोटल कैंसिल का, यानी कि आपके कुल कितने कैंसिल हो गए। मान लीजिए सपोज करिए, कई बार क्या होता है, देखिए हम इंसान हैं, ठीक है, हमसे गलतियां होती रहती है। मान लीजिए मैंने आपको 25 अक्षर दिए और आप जब 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, यानी इसके आंसर लिख रहे थे, गलती से आपने कोई दूसरा सॉल्व कर दिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शक्ति और आपने कोई दूसरा वर्ड लिख दिया यहाँ पे, तो ये आपकी गलती नहीं थी, ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी। हो सकता है कि आपके देखने में हो, लिखने में हो, किसी भी तरीके से कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मान लीजिए आपने वो गलत वर्ड लिख दिया तो उसको हम क्या करेंगे, टोटल कैंसिल में लिखेंगे। मान लीजिए आप 25 वर्ड दे रहे हो, सपोज करो कि आपने 4 अक्षर गलत लिख दिए, आपने कोई दूसरे डिक्टेशन के लिख दिए या कोई दूसरे शब्द डाल दिए,
तो वो गलती हो गई, यानी कि उसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो कैंसिल की संख्या भरेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ कैंसिल की संख्या भरी जाएगी अगर आप कोई अक्षर गलत उतार देते हो या कोई वर्ड गलत उतार देते हो। अब आप देख लीजिए इस फॉर्मेट में कहीं पर भी बच्चे ने गलत नहीं उतारा है तो हमने यहाँ पे डेस लगा दिया। डेस का मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं उतारा हुआ है तो फिर आप आगे यहाँ पे डेस लगा दो। आगे आता है हैंड राइटिंग मार्क्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हैंड राइटिंग मार्क्स का। मतलब ये हो गया कि अगर आप यहाँ पे अच्छा लिख रहे हो, खूबसूरत और सुंदर हैंड राइटिंग लिख रहे हो तो टीचर आपको अच्छे मार्क्स देगा। नहीं दे रहा है तो यहाँ पे जीरो लगा दो। और हो सकता है कि टीचर को लगता हो कि आपकी राइटिंग बहुत बेकार है तो फिर टीचर यहाँ पे आपके नंबर काट सकते हैं। मान लीजिए आपके टीचर को नंबर काट रहे हैं, आपके टीचर ने 5 नंबर काट लिए तो टीचर यहाँ पे लिखेगा माइनस के 5। अब ये आपके टोटल स्कोर में से माइनस हो जाएंगे आगे जाके। और मान लीजिए आपके टीचर ने कोई भी नंबर नहीं काटे तो टीचर यहाँ पे डेस लगा देगा, ये आपको डेस लगा देना है। मान लीजिए आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग है और टीचर को लगता है कि आपकी कहीं कोई गलती की वजह से 3-4 नंबर कट गए तो टीचर आपकी हैंडराइटिंग को देख के 1 नंबर या 2 नंबर आपकी यहाँ बढ़ा सकता है। मान लीजिए टीचर ने आपकी राइटिंग को देख के 2 नंबर प्लस कर दिए, सपोज करिए प्लस का 2 लगा दिया, अगर 2 नंबर बढ़ाए तो प्लस का 2 कर दिया, 5 नंबर बढ़ा दिए तो प्लस का 5 कर दिया। तो ये क्या होगा, ये जो स्कोर होगा ना ये आगे जाके ऐड होगा। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये कैसे ऐड हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा अगर मान लीजिए टीचर ने तो आपके नंबर दे रहे हैं ना घटा रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे इसको खाली छोड़ देना है। इज दैट क्लियर। इसके बाद आगे ऑप्शन आता है फाइनल रॉन्ग, यानी कि इसके बाद कुल कितने रॉन्ग हुए आपके टोटल, यानी ड्रॉप को काउंट करने के बाद, कैंसिल को काउंट करने के बाद, हैंड राइटिंग में अगर आपके नंबर कट जाते हैं तो भी, यानी सबको मिलाकर के कुल कितने रॉन्ग हुए आपके। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुल 2 ही रॉन्ग हुए थे इस गुड़िया के, या जो भी ये बच्चा है इसके 2 गलत गए थे तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अगर मान लीजिए कोई ड्रॉप भी हो जाता या कोई कैंसिल हो जाता, अगर मान लीजिए 1 ड्रॉप हुआ 1 कैंसिल हुआ तो 1 एक और जोड़ दिया, 1 और 1 हो गया 2, और 2 और 2 पूरे गलत गए थे तो हम यह लिख देंगे 4। इज दैट क्लियर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके गलती के नंबर कटे हैं, इसके 2 गलत गए तो उसने टोटल यानी फाइनल यहाँ पे 2 लिख दिया। अब आगे लिखा फाइनल यानी कुल कितने मार्क्स आए इसके टोटल, यानी कि इसके रॉन्ग जाने के बाद, इसके ड्रॉप होने के बाद। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ड्रॉप हो गया, 2 नंबर कट गए या 1 नंबर कट गया, कोई कैंसिल हो गया तो उसके 1-2 नंबर कट गए या हैंडराइटिंग के नंबर कट गए, इन सब के बाद उसके कुल कितने नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल मार्क्स, यानी फाइनल टिक लग जाएगा। तो आपको बता दूं, ना तो इसके कोई ड्रॉप हुआ था, ना कोई इसके कोई कैंसिल हुआ था, ना कोई इसके एनडीटी के मार्क्स कटे थे, इसलिए इसके तो वही मार्क्स रह गए जो पहले आए थे, यानी कि 23 थे तो हम 23 इसके वापस लगा देंगे। इज दैट क्लियर। ये वापस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके कोई मार्क्स नहीं कटे, ना तो ड्रॉप के ना कैंसिल के, क्योंकि आगे ऑलरेडी यहाँ पे डेस लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 23 मार्क्स। अब आगे चलते हैं। अब आगे लिखा होता है कि ये तो हो गया इसके फाइनल मार्क्स हो गया, अब होता है कि फाइनल मार्क्स FM। देखिए इसको समझना है ध्यान से, FM का मतलब ये हो गया कि फाइनल एक बार दोबारा चेक कर लो कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, कहीं हो सकता हो कि कोई ड्रॉप का छूट गया हो या कैंसिल का छूट गया हो, कोई हैंडराइटिंग का छूट गया हो या कोई आपका मिस्टेक का छूट गया हो, एक बार पूरा क्रॉस चेक करिए दोबारा एक बार। तो क्रॉस चेक करने के बाद आपको लगता है कि नहीं मेरे तो सिर्फ इतने ही मार्क्स कटे हैं या इतने ही क्वेश्चन के रॉन्ग, ये आपके इतने ही क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, तो सारी कैलकुलेशन करके और फिर सामने भर दो FM में, यानी आपके कुल कितने मार्क्स आए। मैं आपको बता दूं इसके साथ भी वही हुआ, कोई ड्रॉप नहीं हुआ, कोई कैंसिल नहीं हुआ, कोई हैंडराइटिंग के मार्क्स ना तो कम हुए ना कोई ज़्यादा हुए, तो सारी चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद इसके फाइनल मार्क्स आ रहे हैं 23। इज दैट क्लियर। याद रखिए ऑलमोस्ट क्या होता है, जो फाइनल जो टिक लगता है ना वही के वही मार्क्स FM में आते हैं, ज़्यादातर यही होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ अगर बदलाव होता है तो फिर यहाँ पे चेंज हो सकता है, वो चांस रेयरली होता है, 99% वही जो फाइनल टिक लगा हुआ है, फाइनल मार्क्स आ रहे हैं, वही चीज़ आपके यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो हमने दोबारा समझ लिया। इसके बाद आगे देखिए, आगे लिखा फाइनल टोटल, यानी आपके टोटल परसेंटेज कितने बने। अब देखिए यहाँ पे हमें परसेंटेज कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुल मिला के इसके नंबर आए 23। इज दैट क्लियर। ये 23 नंबर यानी FM 23 किस में से आए, ये आए हैं इसके टोटल फाइनल 25 में से। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले क्या करना है कि आपको फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है कि इसके कुल मार्क्स कितने हैं FM, FM को ऊपर लगाना है। इज दैट क्लियर। कितने में से आए 25 नीचे लगाना है और यहाँ पे ऊपर लिखना है मल्टीप्लाई 100। बस ये फॉर्मूला आपको ट्राई करना है। FM का मतलब कुल कितने मार्क्स आए, 23 मार्क्स आए तो 23 को आप ऊपर लगा दो 23,
अब कितने में से आए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हमारा डिक्टेशन हमेशा 25 मार्क्स का होता है, तो हम यहाँ पे नीचे 25 लगा देंगे और इनटू लगा देंगे 100 ऊपर, ठीक है, और नीचे लगा देंगे 1, तो 23 को 100 से किया तो ये हो जाएगा 2300। इसके बाद क्या करेंगे, 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर मैं 2300 को 25 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे सामने स्कोर आएगा 92%, कितना आएगा 92%, जो कि मैंने यहाँ पे सामने लिख दिया है। इज दैट क्लियर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम आसानी से परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, बड़ा आसान तरीका था। इसके बाद आगे देखते हैं कि फाइनल ग्रेड क्या आ रही है। देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रेड क्या आ रही है, यहाँ पे परसेंटेज को देख करके ग्रेड लगाई जाती है, ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि ग्रेड कैसे लगाई जाएगी, ठीक है। देखिएगा मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार समझाने के लिए हम क्या करेंगे, एक फूटर यूज करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। Yes. आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ रहा है, ये ग्रेड दी हुई है, इस ग्रेड को ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है 0 से 30% है उसके लिए फेल हो रहा है और उसको मिल रही है एन ग्रेड, ठीक है। अब देखिए हमारा जो रिजल्ट आया था 92%, तो आप देखिए जब इस फूटर को देखोगे, इस फूटर में यहां पर ग्रेड सीट दी हुई है जो कि 0-30 से लेकर के यहां 100 तक दी हुई है, इज दैट क्लियर, ओके। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे इस बच्ची के 92% बने, तो 92 वाले को मिलता है आउटस्टैंडिंग, आप देख सकते हैं यहां पे आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, सॉरी ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा है, मैं आपको कोई दूसरी सीट दिखा देता हूं, आप यहां पे देखिएगा दूसरी सीट में, यहां पे 91 से लेके 95 वाले को मिलता है बी ग्रेड और आउटस्टैंडिंग रिमार्क मिलता है, इज दैट क्लियर। ध्यान से देखिए इसको दोबारा दिखाइएगा, 91 से लेके 95 तक वाले को मिलता है आउटस्टैंडिंग और बी ग्रेड मिलता है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर लिख दूंगा बी ग्रेड, यहां पे इस गुड़िया को मिली बी ग्रेड, इज दैट क्लियर। और ये आपको कहां से देखनी है, ये हर बच्चे के पास में फूटर अवेलेबल होता है, देखिए इस तरह का जो फूटर होता है हम हर बच्चे को अवेलेबल कराते हैं, जैसे ही बच्चे का एडमिशन होता है, एडमिशन होने के जस्ट बाद में हम उस बच्चे को एक सीट देते हैं जिसको फूटर बोलते हैं, उस फूटर में सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, इसमें सारी एंट्रियां दी होती है और इसी में ग्रेड सीट दी होती है जिसमें आपको परसेंटेज के हिसाब से उसका रिमार्क प्लस उसकी ग्रेड दी होती है, तो आप देख सकते हैं इस ग्रेड सीट में 92% जो इस गुड़िया का बना था यहाँ पे 92, तो 92 वाले को हमने दिया है आउटस्टैंडिंग रिमार्क और बी ग्रेड दिया था, तो हमने यहाँ पे आपके सामने बी ग्रेड फील कर दिया और 92 कर दिया। अब सपोज करिए मान लीजिए उसका 92 नहीं बनता है, मान लीजिए उसके 85 बनते हैं, तो 85 कहाँ पर आएंगे, यहाँ पे 81 से लेके 85, इज दैट क्लियर, तो इस बच्चे को मिलेगा डी ग्रेड और सामने लग जाएगा वी यानी वेरी गुड। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा जिसके 72 बन गए तो वो आएगा 71 और 75 के बीच में आएगा, तो वहां पे हम लगाएंगे उसके फेयर। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसके 64 बन रहे हैं तो 64 आता है 61 और 65 के बीच में, तो उस बच्चे के लिए ग्रेड लगेगी एच। तो हम परसेंटेज को देख करके, इस ग्रेड को देख करके उसके सामने उसकी ग्रेड लगा देंगे, तो हमारे बच्चे के 92% थे तो हमने यहाँ पे उसके बी ग्रेड लगा दिया। अब सबसे आगे जो हम चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी वो मैं आपको समझा दूँ। आगे दिया हुआ है सील नंबर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ये सील नंबर क्या होता है, यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। देखिए सील नंबर मैं आपको नीचे दिखा दूँ, हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है यहाँ पे स्टाम्प के साथ में, यह लिखा हुआ है 037325, तो यहाँ पे हमें फील करना है 037, तो 37, आगे लिखा हुआ है 325, तो यहाँ हम लिख देंगे 325, इज दैट क्लियर। अब ये सील नंबर क्या होता है, देखिए सील नंबर का मतलब ये हुआ कि आज तक हमारे सेंटर को चलते हुए, हमारा सेंटर 2006 से ऑपरेट हो रहा है, तो 2006 से लेके 2024 तक आज तक कुल कितने बच्चों का एडमिशन हुआ और कुल स्टूडेंट ने कुल कितने डिक्टेशन दिए, तो इस बात की गवाही देता है ये सील नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि आज तक यानी इस पेपर तक, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट इस डिक्टेशन का टेस्ट दे रहा है, तो इस पेज तक उस बच्चे का सील नंबर आया है 37,325। इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक 37,325 डिटेक्शन टेस्ट
हो चुके हैं। ये सील नंबर इस बात की गवाही देता है और ये सील नंबर हमेशा नव्या के डायरेक्टर सर के द्वारा या फिर नव्या की जो एसोसिएट है सानिया मैम उसके द्वारा इंडिकेट होता है और ये हमेशा स्टाम्प के बीच में डाला जाता है और इसी को देख करके बच्चे को यह फील करना होता है सील नंबर के आगे 037325। इज दैट क्लियर? आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है डी डेट। डी डेट का मतलब आपका ये डिटेक्शन कौन सी डेट को हुआ, तो यहां पे डेट हमने फील करी है 7 सितंबर। इज दैट क्लियर? यानी कि 7 तारीख और 9वां महीना, तो हम यहां पे पहले लिखेंगे 7 तारीख, तो आपको ये लगाना 07। इज दैट क्लियर? आगे डेज उसके आगे लिखाना 09, यानी अगले कॉलम में लिखना आपको, यानी जो यहाँ जो ये जो हिस्सा बचा हुआ यहाँ लिखना है महीने का नाम और यहाँ पे लिखना है जो डेट है आपकी। तो डेट थी 7 तारीख, तो हमने लिख दिया 07, डेज लगा करके स्लैश लगा करके लिख दिया हमने 09, यानी आगे आपका जो महीना चल रहा है उसका नाम लिख दिया। आगे होता है फाइनल टीचर साइन, यानी उसके बाद हमारे साइन हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इसको चेक किया था, मैंने इसको कंडक्ट किया था, तो मेरे साइन हो गए। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स के साइन करवाने, जो कि घर पे जाके बच्चा खुद करवाएगा और बच्चे को डेली करवाना है, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। इज दैट क्लियर? उसके बाद ये जो डेटा आपका सही है कि गलत है, किसने चेक किया, कितने मार्क्स का था, कितनी गलतियाँ हुई, कितने ड्रॉप हुए, कितने कैंसिल हुए, हैंडराइटिंग अच्छी थी कि बुरी थी, अच्छे नंबर मिले कि बेकार नंबर मिले, टोटल फाइनल स्कोर कितना मिला, उसकी ग्रेड क्या लगी, उसका सीरियल नंबर कितना आया, ये सारी चीज़ें काउंट करने के बाद हम यहाँ पे स्टाम्प लगाते हैं और स्टाम्प लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 103। ध्यान से देखिएगा, मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि आप इसको थोड़ा फोकस करें। 103 का मतलब हो गया सीरियल नंबर। देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सील नंबर में और सीरियल नंबर में। देखिए जो सीरियल नंबर होता है वो इस बात की गवाही देता है कि इस बच्ची का एडमिशन होने के बाद इस बच्ची ने अभी तक 103 डिटेक्शन दे दिए हैं। ये 103 नंबर का डिटेक्शन है, ये होता है सीरियल नंबर। इज दैट क्लियर? और सील नंबर जो ऊपर दिया हुआ है जो या ब्लैक में दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आज तक यानी 2006 से लेके 2024 तक कितने बच्चों का एडमिशन हुआ और आज तक जितने बच्चों का एडमिशन हुआ उन बच्चों ने कितनी बार डिटेक्शन दिया, यानी 37,325वां डिटेक्शन है सारे बच्चों का मिला करके, तो वो सील नंबर में काउंट होता है। और सीरियल नंबर जो मैं रेड पेन से लगाता हूँ वो इस बात की गवाही देता है कि इस बच्चे का एडमिशन हुआ, तो ये सिर्फ इसी का रिकॉर्ड है, इसका इंडिविजुअल रिकॉर्ड है और इसका 103 नंबर का ये डिटेक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये डिक्टेशन का रो फुटेज था जिसको हम डेली मेंटेन करते हैं, एवरी डे मेंटेन करते हैं। याद रखिएगा इस रिकॉर्ड को हम ऑफलाइन भी मेंटेन करते हैं और ऑनलाइन भी मेंटेन करते हैं, लेकिन अगर आपको ऑफलाइन अच्छी तरह समझ में आएगा तभी आप जाके इसको ऑनलाइन फील कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? मैं एक बार आपको हाईलाइट कर दूँ मेन मेन चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमेशा डिक्टेशन 25 अक्षर का होता है, 25 शब्दों का होता है, जिसकी मार्किंग 25 की होती है, यानी कि एक लाइन एक क्वेश्चन या एक शब्द या एक अक्षर एक नंबर का होता है। ठीक है, अच्छा ये हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। अगर हिंदी में दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे हिंदी पे टिक लगाना है, तो आंसर आपको इंग्लिश में फील करना है, और अगर आपको इंग्लिश में दिया है तो आपके आंसर को हिंदी में फील करना है और आपको यहाँ पे इंग्लिश पे टिक लगा देना है। इज दैट क्लियर? इसके बाद आपको सीरियल नंबर का ध्यान रखना है। सील नंबर जो टोटल ग्रोस होता है और सीरियल नंबर जो आपका खुद का इंडिविजुअल होता है, जो कि सर खुद मार्क करके बनाते हैं, और ये जो सील नंबर होता है ये बाकायदा मशीन से छपता है, तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिक्टेशन के बारे में ऑफलाइन अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ एरर है या कुछ आपके कन्फ्यूजन है, तो हम उसको 100% दूर करेंगे। आई होप, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।